यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आ रहा है। बड़ा दावा यह कि पुतिन अपनी सेना से ले रहे हैं बदला। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि पुतिन अपनी सेना से बदला ले रहे हैं। यूक्रेन में रूसी सेना को मिल रही है हार से बौखला गए हैं पुतिन। यूक्रेन ने यह दावा किया, पुतिन ने बौखलाहट में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को हटा दिया है। यूक्रेन ने यह बहुत बड़ा दावा किया है। पुतिन ने कई रूसी कमांडरों को गिरफ्तार भी करवाया है और वो बदला ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई किसेल ने रूसी सेना किसेल को रूसी सेना ने गिरफ्तार किया है। ब्लैक सागर में रूसी वाइस एडमिरल को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दावे किए गए हैं ये यूक्रेन के ओर से। तो यूक्रेन ने दावा कर दिया है कि लगातार हार मिल रही है पुतिन को। तो यूक्रेन में अब तक मिली हार से गुस्से में पुतिन है क्या? अब क्या कुछ दावे किए गए हैं, क्या कुछ कहा गया है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की गलतियों से नाराज हैं पुतिन, यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का यह दावा है जो हम आपको बता रहे हैं। रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमो निलंबित कर दिए गए हैं, यह दावा भी किया गया है। और रूसी फर्स्ट ग्रेड टैंक्स आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई किसेल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दो और रूसी कमांडरों को भी रूसी सेना ने निलंबित कर दिया है, यह दावा है यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का। ब्लैक सी बेड़े के कमांडर को बर्खास्त कर दिया गया है, यहां तक दावा कर दिया है यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने। और वो यूक्रेनी खुफिया एजेंसी वो ये कह रही है कि यूक्रेन में पुतिन जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं, इसलिए पुतिन बहुत गुस्से में है और कमांडर्स पर, रूस की सेना पर इसकी गाज गिर रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।